बाबा चिन्ह में गया था बेटा। बाबा खैर तो है ना? और पल पल बेटा तुझे मैंने याद रखा है बेटा। अच्छा। और बेटा तेरे लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ बेटा। बाबा वो कौन सी खुशखबरी बताओ ना। बेटा अल्लाह तुझे बेटी के बदले बेटा देगा। बेटा बेटा अल्लाह मुझे बेटी के बदले बेटा देगा। बाबा अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की मुराद जरूर पूरी करेगा। बाबा वो बैठो ना कुछ खा पियो। बेटा मैं खा पी के आया हूँ। हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक। साल से तो मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है इतना शोर क्यों मचा रही हो? खैर तो है? अरे मैं तुमसे ये कह रही हूँ खुदारा वो नौकर जुगन जिस गांव से आया है ना अल्लाह के वास्ते उसे उसी गांव में दोबारा वापस भेज दो। पता है जब भी मैं उससे कोई बात कहती हूँ ना वो एक ही बात कहता है बेगम साहिबा सच बोलना मना है। क्यों उस मासूम के पीछे पड़ी हुई हो? वो मासूम है गरीब आदमी है माफ कर दिया करो उसे। मासूम? चलो चलो मासूम है गरीब है बस माफ कर दो। क्यों माफ कर दो? गरीब है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मामा बाबा जब देखो आप दोनों लड़ते रहते हैं हर वक्त आप दोनों की लड़ाई ही होती रहती है। मैं छोटी से बड़ी हो गई हमेशा आप लोगों को लड़ते झगड़ते देखा कभी मैंने प्यार से आप लोगों को बात करते नहीं देखा। खैर बाबा मेरे कॉलेज में फंक्शन है मुझे कुछ पैसे दे दें। ठीक है बेटी ये ले 200 रुपए कॉलेज में जाना बर्गर खाना कोक पीना और तालियां बजा के वापस आ जाना। मेरी बात सुन कभी प्यार से भी कह दिया कर नजर नजर आई मर जावा नजर प्यार से डाल मुझ पर नजर। चलो जल्दी से 25,000 रुपए निकालो ये प्यार और दे दो अपनी बेटी को। ये प्यार था इतना महंगा? दे रहा हूँ एक तो तेरी माँ का प्यार ये ले। चीर ले गई। राजू आजकल तेरी बहुत शिकायतें आ रही हैं? तू बीबी को उसकी सहेलियों के पास बैठने नहीं देता कहता है कि बीबी जल्दी से काम खत्म करो मुझे देर हो रही है मुझे जल्दी है। हैं? जी बेगम सदा मुझे ना जुगन ने कहा है कि बहन महविश जहाँ भी जाए ना उस पर नजर रखनी है। जुगन हैं? अरे ये जुगन कौन होता है हमारे घर के मामला पर टांग अड़ाने वाला है? अरे बेगम तुम खामखा नाराज हो रही हो उस जुगन को तो मैंने कहा था अपनी रानी बिटिया पे ध्यान रखना तुम्हें वही नाराज हो रही हो। राजू जी 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 सर जल्दी ले जाओ। अच्छा जी जी जल्दी ले जाओ। जाता हूँ जाओ मैडम जी अल्लाह प्लीज जाओ नजर इधर आओ। अरे मेरी जान बोलो तुम्हें कुछ पता भी है ना मैं 1 घंटे से जुगन को ढूंढ रही हूँ वो कहीं गायब है पता है तुम्हें? तुमने उसे कहीं भेजा है? कहीं गायब नहीं है
मैंने उसे पैसे दिए, जाओ बाजार से गोश्त और सरजम ले आओ, वो बहुत अच्छा लाता है, सब्जी वाले से दो चीजें उठा के ज्यादा ले आता है। अब बे, 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 मेरी बात सुनो, सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, वो रानी को भेजो ना चाय की प्याली बना दे। रानी आज छुट्टी पर है, उसकी अम्मा की तबीयत सही नहीं है। बहुत अच्छे, उसको सर चढ़ा रखा है और मेरा जुकन जरा सा इधर उधर होता है, गुस्से हो जाती हो। देखो हाँ। देखो तुम रानी के मुताबिक कुछ मत कहना, समझे? वो मुझसे पूछ कर गई है। अच्छा हाँ। तो फिर चाय का क्या होगा? मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक हाँ। है उसको कहा मैंने, अल्लाह किसी को जाली बीवी ना दे, माँ बाप पता नहीं क्यों भिड़ा देते। खैर करे साईं, इधर तो सारा शहर भाग रहा है महंगाई के लिए। बाबा बाबा कोई दूध के लिए, कोई आटे के लिए, कोई घी के लिए, कोई चीनी के लिए, कोई सीएनजी की लाइन में खड़ा होने के लिए। बाबा जब से ये पेट्रोल महंगा हो गया है, बाबा हर गरीब आदमी इधर से उधर भाग रहा है। किसी का बिल ज्यादा आ गया है तो कम कराने भाग रहा है। साईं, अमीर आदमी का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, गरीब आदमी साईं भूख से मर रहा है। बाबा बात तो तू सही कह रहा है, ठीक है, आज से मैंने तेरी एक रोटी बढ़ा दी, तू भूखा नहीं रहेगा। साईं बात सुनो, कभी तुम एक बिस्किट बढ़ाता है, कभी तुम चाय बढ़ा देता है, कभी तुम एक रोटी बढ़ाता है, मेरे को लगता है तुम किसी बढ़ाई की औलाद हो। अपन लोग तनख्वाह बढ़ाते हैं, तुम जो एक रोटी बढ़ाता है। अरे बेवकूफ, इस मुल्क में तो लोग किसी का निवाला छीन लेते हैं, गरीबों के निवाले छीन के अपना पेट भरते हैं, मैं तुझे रोटी तो खिला रहा हूँ। अरे साईं बात तो तुमने सच बोला है, इस दौर में कोई किसी को रोटी खिलाए यही बड़ी बात है साईं। हाँ। वो बड़ी बात, चल फोन उठा, मेरा पूछे तो मना कर देना। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? मुझे वफा से बात करनी है। अरे वफा से, एक मिनट होल्ड करो। सही हाँ, बाबा कोई आया है, बोला है वफा से बात करनी है। पागल है, कह रहा है वफा से बात करनी है। इस मुल्क में बाप बेटे से वफा नहीं करता तो किस वफा से बात करेगा? कह रहा है वफा से बात करनी है, तू कर ले। वफा से बात करनी है। अरे हेलो, अरे किससे बात करनी है बाबा? भाई मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने वफा से बात करनी है। अरे बात सुनो, अरे वफा तुम हमारे पास रखवा के क्या है क्या? अरे 14 साल से तो हम खुद ढूंढ रहे हो इधर, आज तक हमको नहीं मिली है, तुम्हारे को बता दे वफा किधर है। अरे बात सुनो 50 के मुंह वाले, अरे किधर मिल जाए ना तुम्हारे को, हमारे को भी बताओ। बात सुनो, अरे पुराना टायर, अरे ओ, अरे पंचर हो गया, अरे लगता क्या है ये? ठीक साईं, हाँ बाबा, हाँ ये बाबा तुमने पुराना फोन रखा है, बाबा नए मोबाइल का दौर है, टच मोबाइल बाबा आजकल उसका दौर है साईं। बहुत अच्छे, नए मोबाइल का दौर है, इसे बदल दो, माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं उसे भी बदल दो, उसे भी छोड़ाओ दारुल सुकून में सतारे धी को, भाई बीमार होता है तो छोड़ के आते हो, नहीं जितनी पुराने चीजें होती है वो हमारे सर का ताज होती है, और कहता है बदल दो इसको। साईं मेरे को मेरी अमर याद आ गई है, क्या क्या हुआ? बात तो तुमने सही की है, ये सही हमारे को तो पता ही नहीं है ना। क्यों? हम तो कभी स्कूल के करीब से भी नहीं गुजरा हुआ।
लेकिन तुमने बोला सही, तब सेठ साहब, सेठ साहब जिंदाबाद है, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, इस मुल्क में यही होता है, सिर्फ नारे लगाओ, डांस करो, घर चले जाओ, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। ओ बात सुने, सही हुक्म बाबा, हुक्म सर, मुझे बाहर एक मीटिंग में जाना है, अंदर जाना है बाबा आपको, अंदर नहीं, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। हाँ सही, छोड़, हाँ सही, मैं तैयार होके आ रहा हूँ, ठीक है, सही, अंदर जा रहे हैं, हाँ बाबा आप तैयार हो, शैम्पू वैम्पू करें आप, नहाए धोए जरा, फिर हम बुलाता है, जैसे ही आता है ना बाबा राजू, मैं बताता है सही आपको। नाक पे हाथ रख रहा है जैसे मेरे में बू आ रही है, जा रहा हूँ शैम्पू वैम्पू से नहाने। अरे बात सुनो रानी, अरे सुबह ही सुबह आदमी आता है, कोई सलाम दुआ करता है, तुम आती हो चुकन, ये क्या है बाबा? अरे मैंने तुझे ना दिल दिल में सलाम कर लिया था। अच्छा, इसका मतलब है तुम दिल ही दिल में हमसे प्यार भी करती हो? अरे चुकन, रानी किसी से प्यार श्यार नहीं करती, समझे तुम? इसका मतलब है कि तुम मेरे को शफकत चीमा की बहन लगती हो। अरे रानी, अगर मैं साबित कर दूं कि तुम प्यार करती हो, फिर करो साबित, खाओ कसम, तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती हो? अरे चुकन, माँ बाप से कौन प्यार नहीं करता, माँ बाप से तो सब प्यार करते हैं। तूने फिर एक्टिंग शुरू कर दी? अरे बाबा, शुरू शुरू में लगता है एक्टिंग, शादी के बाद आदमी सारी एक्टिंग मैक्टिंग भूल जाता है। शादी? हाँ। अबे ओ, किसकी शादी की बात कर रहा है? शादी, शादी वो ये अपना दो घर छोड़ के नहीं है? हाँ है। अरे नहीं नहीं, उसके सामने वाला जो घर है। अबे है ना। अरे रानी, उसके बराबर में हाफिज जी का घर नहीं है? अबे वो भी है। उसके बराबर में अपना हकीम साहब का जो घर है। हाँ है। अब तूने मुझे बहुत पका लिया, अगर तेरा हो गया तो मैं कुछ बोलू? सही जानी की मान पाऊ, बोलो बोलो। अभी बताती हूँ तुझे मैं ना, आज से ना मैं सारे घर का काम कराऊंगी, सारा एक्टिंग का भूत उतर जाएगा। अबे ओ जुगन, तुमने मेरे को लग रहा है कोई दिल में गालियां शालियां तो नहीं दी है? अरे नहीं जुगन, हाँ। तू कितना प्यारा है ना। क्या बोल रही हो? अरे मैं सच बोल रही हूँ। तौबा 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 तौबा, हमने कभी इस बात का तकबर नहीं किया। तकबर करना भी नहीं। क्यों क्यों? अरे मैं तो ना मजाक कर रही थी। अच्छा, हाँ। रानी, हाँ? मेरे को ना बहुत जोर से आ रहा है। हाँ। तो वॉशरूम जाना? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तो बाबा, मेरे को गाना आ रहा है जोर से। गाना आ रहा है? अच्छा फिर सुना दे, मेरा भी सुबह सुबह मूड अच्छा हो जाए। तेरे मूड अच्छा करने के लिए तो मैं गाना सुना रहा हूँ। अच्छा गाना सुन। गड्डी तू मंगावे तेल में पवंदिया, मैं तेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, गाड़ी झटके मार रही है, महंगाई कितनी हो गई है बाबा? हाँ। नहीं समझ में आया, कोई बात बहुत हो गया। पर तू मुझे ना कोई अच्छा सा गाना सुना कि मेरा मूड तो अच्छा हो जुगन। अभी बाबा लो, जुगन तुम्हारे को भी सुनाता है तुम्हारे पर। अरे तुमसे प्यारा हमको कौन, हमको जो तुमसे ए पूछो, महल वाली हो या गलियों की तू रानी हो, जो भी हो तुम अपनी जाने जा हो। ओ, सेनी देवर के अब्बा। अरे बात सुनो रानी, ये एक मजदूर का हाथ है, तुम बोलो तो मैं बर्तन मांजू, तुम कहो तो मैं पोछा मारू। अबे चलो अंदर। अभी चलता हूँ बाबा। हाँ। Thank you.
बिल्कुल आ जाओ। ठीक ठीक, हाँ हाँ आ जाओ, आप अभी आ जाओ घर। ठीक है जुगन, अरे आ जाओ। जी जी जी, बहन जी कैसी हैं आप? मैं ठीक। आज तो मेरे को बड़ी खुश लग रही है। जुगन आज बात ही इतनी खुशी की है, आज उज़ैफ़ा पहली बार हमारे घर आ रहा है। अरे ये मेरी उज़ैफ़ा कौन है? ओहो जुगन, राजू। जी 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 मैडम, जी मैडम, जी मैडम, जी जी राजू। अरे बात सुनो। जी साईं। कितनी बार बोला अरे मैडम नहीं बोला करो, इधर आओ, हमारी बहन है बहन बोला करो। जी बहन जी। राजू बाहर जाकर खड़े हो, उज़ैफ़ा आने वाले हैं, उन्हें अंदर लेकर आना। अच्छा जी। और जाओ तुम किचन में, अच्छे अच्छे से खाने बनवाओ। अच्छे अच्छे, हाँ बहुत अच्छे अच्छे से खाने बनवाना। अल्लाह खैर करे भाई। कैसी हो महवेश? मैं बिल्कुल ठीक। पर महवेश तुम मुझे उदास उदास लग रही हो, क्या बात है महवेश? बिल्कुल मैं उदास भी हूँ और आपसे नाराज भी हूँ। आपको पता था कॉलेज बंद है, 10 दिन की छुट्टियां हैं, हम मिल नहीं सकते, फिर भी आपने अपना सेलफोन बंद किया हुआ था। यार महवेश आई एम सो सॉरी, दरअसल आज मेरा ना सेलफोन स्नैच हो गया था और आज ही मैंने नया सेलफोन लिया और सबसे पहले आपको कॉल की। महवेश मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। महवेश सच में? तुम्हारी कसम महवेश। उज़ैफ़ा मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महवेश। सच में मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती उज़ैफ़ा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता महवेश। तुमने फिर सेलफोन क्यों बंद किया हुआ था, उसी दिन ले लेते ना। मैं तुम्हें बहन जी खाना तैयार हो गया है, बाबा लगवा दूं? हाँ खाना लगवाओ। यार नहीं महवेश, मैं खाना खाकर आया हूँ, बस चाय पीऊंगा। जाओ चाय बनवाओ। ठीक है, अपने जान की अमान पाऊं तो सही, आपका नाम पूछ सकता हूँ बाबा? जोकर ये है उज़ैफ़ा जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, ये मेरे कॉलेज में पढ़ते। बहन जी वो तो ठीक है, कॉलेज और घर में फर्क होता है, हमारा माशरा इस बात की इजाजत नहीं देता है। जुगन ज्यादा बातें मत करो, जाओ चाय बनवाओ। महवेश मुझे आपके नौकर का रवैया अच्छा नहीं लगा, हम कल कॉलेज में चाय पियेंगे। सॉरी उज़ैफ़ा, असल में ये जो हमारा नौकर है ना, इसको मेरे बाबा ने इतना सर चढ़ा रखा है कि ये हमारे घर के हर छोटे बड़े मामलात में इंटरफेयर करता है।
अरे नहीं महवेश, ये जो घर के खास नौकर होते हैं ना, ये इसी तरह रिएक्ट करते हैं। एनीवे, हम कल कॉलेज में मिलेंगे, चाय भी पियेंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे। अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। तुम फिकर मत करो बेगम, और किसी से जिक्र मत करना। देखो मैं उसी क्या हालत बनाता हूँ। अरे तुम क्या उसकी हालत बनाओगे? तुमने जुगन को इतना सर पर चढ़ा लिया है, अरे उसके लगाम डालो, समझे? तुम मेरा गुस्सा देखो, अभी मैं उसकी हालत मेरा गुस्सा देखो। अरे चाचा बहुत हो गया, तुम्हारी तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही बातें हैं, समझे? कुछ भी नहीं कर सकते तुम उसका। जब देखो उसके सामने बिल्ली वैसे शेर हो। देखो जुगन, मेरा गुस्सा देखती जाओ। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कर रहा हूँ जुगन। जी, क्या हाल तुमने बना रखा है? साई हाल ठीक नहीं है साई, परेशानी परेशानी है बाबा। परेशानी? किस बात की परेशानी है बाबा? रात को जब मैं सोता हूँ ना, मेरे ख्वाब में साई जिन आता है, साई मेरे को गंदे गंदे लतीफे सुनाता है। जुगन जुगन, खुदा के वास्ते कभी तो सीरियस हो जाया करो। साई कितना सीरियस हूँ? और अरे फोन उठा। साई मैं सीरियस हूँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे कह रहा, मैं कह रहा हूँ, फोन उठा। सीरियस हूँ, उठा फोन। हेलो, मैं शेर खान बात कर रहा हूँ। अरे तो हम क्या करें, तुम शेर खान बात कर रहा है, दहशत खान बात करे चाहे हैबत खान बात करे, हमारे को क्या लेना है? अबे तू मुझे जानता नहीं? अरे हमारे को जानना भी नहीं है, हमारी खुद जान पहचान बहुत है, दूध वाले के साथ भी है, सब्जी वाले के साथ भी है, गोश्त वाले के साथ भी है। मैं शेर खान बदमाश बात कर रहा हूँ। अबे तू मुझे जानता नहीं, मैं आके तुझे बताता हूँ। सेठ थाने वाले को फोन दे। बदमाश भाई, अभी अभी बात करता हूँ। साईं, बाबा कोई बदमाश है शेर खान? कह रहे सेठ से बात कराओ, बहुत इमरजेंसी है। सही बात करो। मैं बात करूं? नहीं तुम करो। मेरी तो पांख काम है के टांग रही है। मेरी भी टांगे काम रही है। मैं बात करूं? होल्ड पे साईं, मैं करता हूँ। हेलो सेठ, मेरे पैसे तैयार रख, मैं आ रहा हूँ। अच्छा आ जाओ मेरे बाप, आ जाओ। वो कह रहा है तैयार रखो पैसे, मैं आ रहा हूँ। जुगन मेरी मदद कर, कुछ मेरी मदद कर यार, वो आ रहा है। साईं बाबा, मेरे को दो दिन की छुट्टी चाहिए साईं, मेरी अम्मर का फोन आया है बाबा, मेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, मेरे को गाँव जाना है बाबा। जब मैं परेशान होता हूँ, तेरी नानी बीमार हो जाती है, तेरी अम्मड़ की तबीयत ठीक नहीं होती, अरे मैं परेशान हूँ, वो शेर खान आ रहा है, कुछ मदद कर मेरी। सही दो मिनट दो। दो मिनट? हाँ भूल गए आप। दो मिनट मेरी मदद कर, वो आ रहा है। ए क्या लोटा दूँ? मेरी मदद कर, वो आ रहा है शेर खान, जल्दी कर, मुझे मार दे। उसको बताओ भाई, बहुत बड़ा डायरेक्टर आया है। अच्छा उसको फिल्म बनानी है। अच्छा और साईं एक हीरो की तलाश है। अच्छा वो फिल्म बनानी है, कहीं मेरी फिल्म ना बन जाए। सिर्फ दो मिनट दो। दो मिनट यार, दो मिनट में तू मरवा देगा, पर तू कोई तरकीब सोच। तू अंदर जा रहा है डायरेक्टर बनने, मैं उसको कहूंगा कोई फिल्म का डायरेक्टर आ रहा है, बस मरवाऊंगा तेरा। बिल जा जा जा, मगर बात सुन,
मरवा मत देना। दो मिनट सर। यार इसकी दो मिनट मरवा देगी। जा जा डायरेक्टर डायरेक्टर अब क्या होगा, ये कोई मरवा ना दे दो मिनट में डायरेक्टर बनेगा, शेर खान आएगा, मेरा गला दबोचेगा, पैसे इंग्लिश बोल के बताओ। That's a very hell language, bro. अच्छा? Yes, bro. आज के बाद ना हम पठानी और तुम परंगी है। आज से नहीं 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 ए! नहीं 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 उर्दू पे आ गया बच्चे, अभी तो हम पठान तुमको टकरा, आज से तुम हमारा गुलाम है। ठीक है आज से मैं मेरा नाम शेर खान, मैं जा भी जाता हूं अपना शिकार मार कर आता हूं। शेर तालिया शेर शेर दाने वाला, मेरे पैसे निकाल। मैं आपके पैसे भी दूंगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है शेर खान, एक बाहर से डायरेक्टर आया हुआ है, उसे ऐसे हीरे की जरूरत है, मैं उसे बुलाऊं वो तुम्हें अपनी फिल्मों में लेगा। वो मेरे से तो मिलने बड़े बड़े लोग आते हैं, बुला अपने डायरेक्टर को, उसको भी मैं देख लेता हूं। बुलाता हूं अबे सेठ, बुला बुलाता हूं शेर खान, इतनी जोर से ना बुलाओ पूरा मोहल्ला आ जाएगा। जैसे तुम रंग भरेंगी ये गोला गंडा, ये गोला गंडा, सेठ मैं बुलाता हूं। अच्छा है जुगल जोड़ी है। रे, इधर, 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 इधर,
खूर अंग्रेज लेकिन मड़ा देखिए मैं उस वक्त बिजी था, फिल्म की शूट पे था, मैं देख नहीं सका। हाँ, लेकिन तुमने फिल्म चनवरयाम देखी होगी। वो मड़ा हमने नहीं देखी। नहीं देखी? नहीं। तुम अगर वो देख लेते तो तुमको पता चल जाता मैं कितना बड़ा डायरेक्टर हूँ। तुम कितना बड़ा डायरेक्टर है? अभी बताता हूँ। बताओ। हमारे डायरेक्टर को ना चेड़। ये सर, ये हीरो के रोल के लिए आए, देखिए आप। ओके। डायरेक्टर साहब, कबड्डी खेल रहे हो? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मेरा हीरो जानदार है नहीं है। मिल गया, मिल गया। मेरे को मेरी फिल्म का हीरो मिल गया। क्या यही लुक चाहिए था? अच्छा। ओहो हो, भाई फिल्म का हीरो है तू मेरी। अच्छा, हम फिल्म का हीरो है? फिल्म का हीरो हो तो डायरेक्टर से फिर कहानी सुनाओ। हनी अभी सुनाता हूँ, तू फिल्म का हीरो है। हीरो घोड़े पे आ रहा है। अच्छा। घोड़े की स्पीड बढ़ गई है, घोड़ा 200 की स्पीड पे जा रहा है। टका टक टका टक टका टक टका टक। ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन की स्पीड भी बढ़ गई है, ट्रेन भी आ रही है। चिका चिक चिका चिक चिका चिक चिका। कैसे फिल्म में? और ऐसे घोड़ा स्पीड में आया है, तूफानी हवा और घोड़े की स्पीड। अचानक हीरो की धोती खुल गई है। नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, अंदर चड्डा पहना हुआ है। अच्छा। बाबा, हीरो जा रहा है घोड़े पे, ट्रेन आ रही है। अच्छा। ट्रेन से टकराया है। अच्छा। हीरो ट्रेन से टकराया है और ट्रेन के अंदर चला गया है। अच्छा। और ट्रेन जा रही है सीधा कैंट स्टेशन। अच्छा। कैंट से हीरो उतरता है। अच्छा। रक्षे में बैठता है। अच्छा। सीधा तारिक रोड जाता है। अच्छा। जायद की निहारी खाता है। वहाँ हर आदमी आने जाने वाला उसको पैसे भी देता है। अच्छा। बोलता है बाबा हमारे लिए दुआ करना। अच्छा। वहाँ से उठता है हीरो, फिर रक्षे में बैठ के आगे जाता है मास जी के पास। अच्छा। मास जी से कपड़े लेता है और उसके बाद रक्षे में बैठ के वापिस कैंट आ जाता है। अच्छा। अब ट्रेन वहाँ खड़ी हुई है, उसने वापिस जाना है। अच्छा। ट्रेन वापिस चल पड़ी है, घोड़ा उधर ही खड़ा हुआ है। अच्छा। बल्कि उसने 10-12 घोड़े और बुला लिए हैं और ट्रेन की पटरी पे धरना दे दिया। जानवर भी कभी धरना देते? जानवर धरना क्यों नहीं दे सकते, जब डॉक्टर धरना दे सकते हैं, जब एजुकेशन वाले धरना दे सकते हैं और जब सियासतदान धरना दे सकते हैं, तो जानवर धरना क्यों नहीं दे सकते? ये। और तुम भी धरना दे सकते हो। तुम्हारे क्या मतलब है? ओ खरबूजे के मुंह वाले, फिल्म है फिल्म। अच्छा। हाँ, अच्छा। अभी फिल्म शुरू है। हाँ। ट्रेन आ रही है। हाँ। चिका चिक चिका चिक चिका चिक चिका चिक। अच्छा। घोड़े खड़े हुए धरना दे रहे हैं। हाँ। ट्रेन ने स्पीड में ब्रेक मारा है। ओए। हीरो ट्रेन से निकल के वापिस घोड़े पे बैठा है। अच्छा। घोड़ा चल रहा है धगड़ 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 धगड़। पहले तो घोड़ा ठकाठक चल रहा था मोड़ा। अबे अभी तेरे को खिलाता हूँ मैं कटाकट। अबे पहले रोड पे चल रहा था घोड़ा। अच्छा। ठकाठक ठकाठक। अब घोड़ा चल रहा है रेगिस्तान पे। अच्छा। धगड़ 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 धगड़। घोड़े की स्पीड बहुत है। हो। घोड़ा तेज स्पीड में जा रहा है। अच्छा। आगे बर्फ के पहाड़ आ गए। बर्फ के पहाड़ के ऊपर घोड़ा चढ़ गया। हो। और बर्फ के पहाड़ पे तूफानी गर्मी, धूप, कड़ाकेदार धूप है। अच्छा। और धूप के अंदर तूफानी बारिश भी है। अच्छा। हीरो घोड़े से उतरता है और स्लिप होता है, चारपाई से नीचे गिरता है। अच्छा। मुर्गे ने आके कान में कहा, बॉस
आज फिर आपने ख्वाब देख लिया। उसने हीरो ने कहा कि तुझे मैंने कहा है ना माइकल कि 5 बजे के बाद मेरे ख्वाब शुरू हो जाते हैं, तू मुझे 5 बजे से पहले उठाया कर। तो कहता है बॉस मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी मुर्गी आ गई थी, उसने मुझसे टच मोबाइल मांगा है। कभी मुर्गी टच मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कभी घोड़ा ठका ठक चल रहा है, वो कभी घोड़ा ठक ठक चल रहा है, वो कड़ाकी धूप के अंदर बारिश बरस रहा है। हीरो अपने हीरोइन से बात कर रहा है, ओ मड़ा कैसा पीला में है। सुनो तुम्हारे को ये फिल्म समझ में नहीं आ रही है? नहीं है, मेरे पास दूसरा स्क्रिप्ट भी है, दूसरी फिल्म बनाते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बहुत घना समंदर है, ओ गहरा, अच्छा 150 फुट गहरा समंदर। अच्छा समंदर में तू खड़ा हुआ है बीच में, पीछे से दुश्मन आ रहे हैं, अच्छा बल्कि दुश्मनों का यलगार आ रहा है, अच्छा और तूने समंदर में भाग रहा है पैदल। अच्छा चपक 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 चपक, हमको मछली 120 की स्पीड में 150 की स्पीड में चपाचक भागे। वाह मारा ये कैसा फिल्म है, हम नहीं करते तुम्हारा फिल्म मिलम। मैं बताए मेरा बात सुनो, हम तुम्हारा फिल्म नहीं करेगा और तुमने हमारा घर दिमाग खराब कर दिया, खुदा कसम हम तेरे को गोली मार देगा। मैं तो रोजाना गोली खाता हूँ, बल्कि 3-4 खाता हूँ दिन में। 3-4 गोली खाते? हाँ बीमार हो जाता हूँ ना, कभी कभी बुखार होता है। अच्छा। तो फिर मैं 3-4 गोलियां खाता हूँ। अरे 3-4 गोलियां खाते वो डायरेक्टर साहब, तुम हमारे से चाहता क्या है? इधर आ मारो। बात सुनो, तुम हमारी फिल्म नहीं बनाएगा? नहीं हम नहीं बनाते तुम्हारे। तुम नहीं करेगा काम? नहीं हम नहीं करेगा। तू नहीं करेगा? नहीं मड़ा, आखिरी दफा पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं मड़ा हम नहीं करते हम। माइकल का जब चक्कू खुलता है तो खून की नदियां बह जाती हैं। और फिल्म की दुनिया में मेरा नाम वैसे भी सरफिरा इंसान है। क्या चाहते हो डायरेक्टर साहब तुम मेरे से? अब आया ना लाइन पर कि मैं क्या चाहता हूँ। और हाँ, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सब मुझे दे, और मेरी फिल्म भी पूरी करानी है तुमने। बात सुन, इतने से पैसे, इस पैसों से क्या होगा? सुन, मेरे चाकू की धार बहुत तेज है। अच्छा। ये सिर्फ कट नहीं मारती बल्कि कटा कट करती है, और कभी तो फटाफट भी करती है। बाकी के पैसे कौन देगा? वो डायरेक्टर साहब, मैं जाते हैं पैसे भिजवाते हैं। कितनी देर में? बस अभी जाते हैं, पैसे भिजवा देते हैं डायरेक्टर साहब। शेर खान पैसे तो लेते जाओ। ओए घर को पैसा मोड़ा, ऐसे पैसे भी हम क्या करेगा, इधर तो हमारा दिमाग ही फिल्म फिल्म का छोड़ो जाएगा। अभी चलो वाह मेरा बच्चा वाह, क्या काम किया, चल पैसे दे। कौन जुगन सेठ? लाइन भूल गए। अरे जुगन, तू जुगन पैसे दे, मेरे को पैसे दे, तेरे सेठ को पैसे दे। कौन जुगन? तू जुगन। जुगन का चाकू जब खुलता ये कौन की नदियां बह जाती हैं। मैं तेरा शेख, तेरा शेख हूँ, तू जुगन है मेरा नौकर। बाबा जुगन जुगन ला, ये चाकू कहाँ से लिया? साईं ये आपकी जेब से 1500 रुपए निकाले थे उससे लिया है, वो भी मेरे पैसों से। चल सबके साथ करता है, तुम जुगन के साथ कर रहे हो? नहीं नहीं, तू तो मेरा बच्चा है ना, जुगन मुझे पैसे दे दे। ला मुझे पैसे दे। वैसे एक्टिंग कमाल की है तूने, वाह वाह। पैसे दे रहा हूँ सेठ साहब, लेकिन आज रोटी नहीं बनाना, आज मेरे को इनाम देना। सही ठीक है, पैसे मुझे दे, आज मैं तुझे 2000 रुपए इनाम दे रहा हूँ। 2000? हाँ हाँ। ये तो खत्म भी नहीं होंगे। अरे तू 2000 रख,
इसे रोटी खाना जी ना। ये तुम लोग क्या छुपा रहे हैं? बेगम साहबा, वो सेठ साहब ने पैसे दिए थे ना, गोश्त लेकर आओ, टिंडे लेकर आओ, वो मैंने माई को दे दिए, अमर को ना 10 रुपए बचे थे, सेठ साहब ने बोला चाय पियो। सेठ साहब, बाबा चाय महंगी हो गई है साईं, 30 रुपए का कट हो गया है। वाह 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 वाह, मैं तो ये देख रही हूँ इस वक्त कि तू आप नजर दाने वाले के कपड़े भी पहनने लग गया है, हा? अरे अरे, मुझे तो लगता है तू आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे घर पर कब्जा भी जमा लेगा। चल चल जल्दी से, जा जल्दी से कपड़े बदल। बेगम साहबा, बाबा ये कपड़े कोई हमने अपनी मर्जी से नहीं पहने हैं बाबा। ए! अंदर जा, कपड़े बदल, जल्दी जा, अपनी पत्नी मरवाने वाली बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वो मैं, मुझे बचपन का खेल याद आ गया। चापाकू ओ चापाकू ओ चापाकू, सारी जिंदगी तुम इसी तरह आ बाबू यही करते करते गुजार दी तुमने। एक बार फिर करना, बस अच्छी लग रही है आपको, समझे? लेकिन पेट निकला हुआ है। ये बताओ कि तुम्हें कुछ दुनियादारी के हाँ बापू के अलावा खबर भी है? क्या हुआ, क्या बात है, क्यों दुनियादारी की मुझे खबर नहीं है? देखो देखो नजर, घर में बेटी जवान होती जा रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? हर बाप को पता होता है जब उसकी बेटी पैदा होती है, उसे पता होता है कि ये मेरी नहीं है, ये पराई है, तो मुझसे क्या कहती है। हर बाप ये ख्वाहिश करता है कि मैं इसे सुर्ख जोड़े में देखूं, तू मुझे क्या कहती है। जब माँ बाप बेटियां देता है तो बाप को भी बड़ा दिल देता है, तू मुझे क्या कहती है। नजर नजर, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया, आज तुमने इतनी संजीदगी के साथ बात की है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं बेगम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ संजीदा हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे इस प्यार का नतीजा है 16 साल पहले मैंने अपने भाई उमेर को उसके घर भेज दिया, लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे भाई की सूरत में एक और भाई दे दिया, जो जुगन है, उसकी शक्ल में मुझे मेरा भाई नजर आता है। अरे जुगन, जुगन? हाँ। अरे जुगन तो वो तो इस घर का नौकर है। नहीं, तो उसे अपने भाई से क्यों मिला रहे हो? उसे नौकर ना कहना, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है, इस घर से बड़ा प्यार करता है, और गरीबों का यही तो कमाल है, अमीरों से इतना प्यार करता है। लेकिन अमीर, कुछ अमीर जब गरीब मर जाता है तो उसकी मैयत में भी नहीं जाते, जान दे देता है गरीब। जुगन भी यही है, मुझसे प्यार करता है, मुझे खुश रखता है, हर वक्त मुझे खुश रखता है। जिस दिन मैं गमगीन होता हूँ, मुझे पता नहीं कैसी कैसी हंसाने की बातें करता है। सलामत रहे गरीबों, सलामत रहो आप। भी नहीं कहूंगी, वाकई वो इस घर का बेटा है। हाँ। अब चाय वाय पिलाओगी या खाली है? मैं चाय पिलाऊंगी, लेकिन आपको तो कहीं जाना था। अरे यहाँ पिला दिया, आज तो मेरी बहुत बड़ी मीटिंग थी। राजू को बुलाओ, राजू को बुलाओ, राजू को बुलाओ। राजू नहीं है। क्यों? हाँ, वो राजू की अम्मी की तबीयत खराब थी, वो मुझसे छुट्टी लेकर गया। तो गाड़ी कौन चलाएगा? आप चलाए ना। अगर मैंने गाड़ी चलाई और इत्तेफाक से ये उतार दिए तो किसी को ठोक ना दूं। अरे कुछ नहीं होता नजर दाने वाले, जाइए आप, नजर दाने वाला सेठ है। बस तूने आज चढ़ा दिया नजर दाने वाला, अब कोई ठुके या ना ठुके, मैं तो ठुक जाऊंगा। अल्लाह ना करे, आप मेरी सुझाई। दुआ कर, माँ के बाद अगर कोई दुआ करता है तो यही, लेकिन पैसे हो तो। अल्लाह मेरे सर के ताज को खैर खैरियत से रखना। जुगन, मामा क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हैं और लग रहा है कुछ सोच रही हैं।
बेटा, मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोच रही थी? बेटा, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि तुम ऐसा करो, हुज़ैफा को किसी दिन घर पे बुलाओ। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ मेरी बेटी की पसंद कैसी है। सच में मम्मा, मैं हुज़ैफा को बुला लूँ? हाँ, और आप उससे मिलना चाहती हैं? ठीक है मम्मा, मैं आज ही हुज़ैफा से कहती हूँ कि वो आपसे मिलने के लिए आ जाए। अरे जुगन, जुगन! जुगन, कैसे हो बेटा? खैरियत से हो? मेरे से पूछा है आपने? हाँ? मेरे को यकीन नहीं आ रहा है बेगम साहबा, आपने मेरा हाल पूछा है। हाँ, मैंने तुम्हारा हाल पूछा है। हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ बाबा। ठीक हो? ये बताओ, रानी कहाँ है? रानी बेगम साहबा किचन में खाना पका रही है। अच्छा अच्छा, चलो मैं भी आओ, देखते हैं उसको। ठीक है। साईं, आज तो समझ नहीं आया है, पहली दफा बेगम साहबा ने पूछा है। अल्लाह खैर करे, कोई बड़ा काम होने वाला है बाबा। चलो, अल्लाह की जो मर्जी है बाबा। अरे बाबा, सफाई भी नहीं हुई है तेरे के बाद, वही पुराने सोफे चल रहे हैं। फिर पूरा फेस्टिवल का सोफे बदल गए। पराए घर में मुंह उठा के आ गया है आदमी, दरवाजा बजाता है, कोई बेल बजाता है, कोई कुंडी खड़काता है। लेकिन लोड़े इधर से भाग, चलो। घर में कोई है? अरे है, कोई खंबा खड़ा हुआ है क्या? आओ। वालेकुम अस्सलाम। एक सांस में बताओ जी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किधर से आया है और तुम क्या करता है? एक साथ बताऊं या अलग अलग बताऊं? अलग अलग बताओ, बल्कि सबसे पहले अपना नाम बताओ। हाँ, मुझे प्यार से लोग चापू। ठीक है, हम समझ गए। नाम बताओ अपना। चापू नाम है मेरा। अरे चापू, हम समझ गया है, अपना नाम बताओ। ओ इमरजेंसी लाइट, मेरा नाम चापू है। हम इमरजेंसी लाइट है, अपने घर लेके जाओ। बाबा आजकल तो बड़ी लोड शेडिंग है, तुम्हारे काम आएगी। समझ क्यों नहीं रहा यार, समझ क्यों नहीं रहा, मेरा नाम चापू है। अरे हम समझ गया है झापू, तुम्हारा नाम झापू है। अबे ओ शैम्पू के मुंह वाले। अरे हम शैम्पू का मुंह वाला है। अरे तुम अपना बताओ कि तुम कौन है? मेरा नाम झापू है, झापू। तेरा नाम क्या है? झापू। झापू? अबे नहीं यार, हम भी यही बोल रहे हैं कि तुम्हारा नाम झापू है। ओ भाई बड़े सुकून से सुन, मेरा नाम है चापू। अच्छा, तेरा नाम है चापू? पू कहां से आ गई बीच में? अभी तो आपने बोला है चापू। अबे सीधा सीधा नाम है चापू। सीधा इतनी झुरंगिया घुमा के तुम आया सीधा सीधा? अच्छा बात सुनो। हाँ। तुम आया किधर से? ठट्टे से तो नहीं आया? ठट्टा गया पर देखा नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तुम हैदराबाद से आया होगा? गया हूँ पर देखा नहीं। हैदराबाद गया देखा नहीं? देखा नहीं। समझ गया हम, तुम आया है नवाबशाह से। नवाबशाह गया हूँ पर देखा नहीं। अभी हम समझ गया, तुम रोड़ी शक्कर से आए। रोड़ी शक्कर? गया हूँ पर देखा नहीं। अरे ये हमारे को सुबह ही सुबह तबाने आ गया। तुम रहीम यार खान से आए? रहीम यार खान। गया हूँ पर देखा नहीं। अरे यार जगह गया हूँ देखा नहीं। बात सुनो, तुम आया मुल्तान से? मुल्तान? हाँ। गया हूँ पर देखा नहीं। अरे बात सुनो, तुम आया है लाहौर से? लाहौर? गया हूँ पर देखा नहीं। बात सुनो, तुम कभी अपने घर गया है? 15 दिन से तो मैं वहां भी नहीं गया। अपने घर जाओ, तुम्हारे घर पे लोग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे? बाबा तुम्हारा पूछने आ रहे हैं, तुम बड़ा अच्छा इंसान है। लोग पूछ रहे हैं किधर चापू मर बना तो नहीं गया किधर? अरे बात सुनो, अरे तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। हर जगह गया हूँ देखा नहीं है, गया हूँ देखा नहीं है। अरे तुम 2 दिन का दूध पीता बच्चा है? नाराज मत हो भाई, नाराज मत हो। आदमी जब ट्रेन में बैठता है, हैदराबाद आता है,
नवाब शाह आता है, रोडी सक्कर आता है, रहीम यार खान आता है, मुल्तान आता है, लाहौर आता है, तो आदमी गाड़ी में से देखता है, जाता थोड़ी अंदर। अरे यार बात तो तुमने बड़ी टेक्निकल की है कि आदमी ट्रेन में बैठता है तो स्टेशन पे नाम आता है। अरे वाह वाह वाह, अपना चांपू बात सही की है तुमने। चांपू 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 चांपू, अरे बात सुनो। हाँ बता, तुम इधर आया क्यों है? आप जनाब ये बताओ कि आप यहाँ क्या करते हैं? शुक्र है हम साईं इधर इकलौता नौकर है इस घर का। अरे 15 साल पहले मैं आया था तो नौकर कोई जोगी था। साईं मैं उसी जोगी का कमाल हूँ बाबा, मैं जोगी का बेटा हूँ जुकन। अच्छा, मुझे तुम्हारे सेठ नजरदाने वाले से मिलना है। सेठ साहब के? हाँ दोस्त है मेरे पुराना। अच्छा इतनी देर से बोला सही सेठ साहब के दोस्त बाबा, पहले क्यों नहीं पता? बैठो मैंने मौका ही कहाँ दिया? दियो सही मेरे को, दियो सामान, दियो भाई सामान को हाथ नहीं लगाना। हाँ इसमें मेरा खजाना है, खजाना। सही इसमें खजाना है? हाँ सही, हमने तो आज तक खजाना देखा ही नहीं है, और बल्कि सही हमने सुना है कि खजाने पे तो सांप होता है। ये सब सुनी सुनाई बातें, मैं तुझे दिखाता हूँ। दिखाए बाबा, नदीम साहब सही, ये साथ में लंगूर कौन है? मैं हूँ सही। वो पागल है क्या तुम? ना बाबा पुरानी तस्वीर है सही, वो पहचान में नहीं आ रहा है तुम। छोड़ो फिर, ये देखो। हाँ ये देखो। हाँ हाँ हाँ, खूबसूरत आदमी, लाल सुरख आदमी। सही साथ में काली चरण कौन है? अब तुझे नहीं दिखाऊंगा एल्बम में सही। हाँ तू अपने सेठ को बुला, खाने वाले को बस। सेठ साहब को? हाँ सही, सेठ साहब का जो है कोई पता नहीं होता है बाबा। क्यों? सुबह घर से निकल जाता है सीधा अब्दुल्ला शाह गाजी मजार पे। अच्छा। हाँ उधर लंगर लूटने चला जाता है बाबा, और अब्दुल्ला शाह गाजी के जितने मजार पे मलंग है ना। हाँ वो बाबा सब साइड पे हो जाते हैं, बोलते हैं बाबा सबसे बड़ा मलंग आ गया है, देख वाला भी देख दे देता है, बोलता है जितना खाना है खा, जितना लेके जाना लेके जा, मेरी जान छोड़ दे। सेठ साहब ना उसकी जान छोड़ता है ना देख की जान छोड़ता है। आ जाएगा बाबा, सेठ साहब इधर इधर भी घूमता है। बुलाओ कहाँ है कहाँ बाबा? सेठ साहब, ओ सेठ साहब। अरे नजर, अरे मेरा नजर, अरे मेरा चापू। कैसा है तू? अरे बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसा है चापू? अरे मैं ठीक हूँ, ये पता नजर दाना चुगना छोड़ दिया या अभी जारी? कह रहा है दाना। अरे वो वक्त गया जब हम दाने चुगते थे। अच्छा सही। हाँ सच बोलना मना है? जुकन है क्या? जुकन साहब के लिए खाना लेकर आ, चल चाय अभी लेकर आ, खाना जो भी हो घर में लेकर आ। सही, वो काली पिएगा के सफेद? मैं चाय चाय होती है, काली सफेद क्या होती है? नहीं मेरा मतलब है कि दूध वाली पिएगा या कावा? दूध वाली लिया। वैसे तुम्हारे रंग के हिसाब से काली सही थी। चल बजा जा, मेरे मेहमान के लिए चाय लेकर आ। उससे कह रहा है कि तेरा रंग काला है, सच्चा है तू, है तो काला लेकिन चाय दूध वाली लेकर आ। जा मिला तो। अबे बात सुन, नजर ही तुझे मिला कहाँ से? बहुत तपा रहा था मुझे यार, मेरा दिल चाह रहा था भाग जाऊं। नहीं नहीं ये दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा बस थोड़ा सा ऐसे एक्टिंग का शौक है, शायद तेरे सामने एक्टिंग कर लियो। अच्छा बाकी दिल का बहुत अच्छा है। हाँ दिल का तो बहुत अच्छा, यकीन कर दिल का बहुत अच्छा है। क्या हुआ? फोन आया, फोन अब आया, बताओ मेरे को वाइब्रेट हो गया फिर मौसम की हिसाब से। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चापू कहाँ हो तुम? मैं खाने पे इंतजार कर रहा हूँ। मैं नजर भाई के पास हूँ। हेलो हेलो कौन था? तुम्हारा भाई उमेर है? तो उसने फोन क्यों रख दिया? तुम्हारा नाम सुनते ही उसने फोन रख दिया। सही है, मेरा भाई है ना, मैं भी उसे भूल गया हूँ, लेकिन यकीन कर 16 साल हो गए आज तक मैं उसे कभी भूला नहीं हूँ। भाई से इतना प्यार होता है भाई को, भाई भूलता नहीं है, बस ये जुदा हो जाता है। मुझे याद है पूरे गाँव में तुम लोग मशहूर थे।
दोनों भाई दोस्तों की तरह रहा करते थे, और जब से तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी बीवियां आई, दोनों बीवियों ने तुम्हें अलग अलग कर दिया। ये बड़ा लिया है, जब औरतें आती हैं भाइयों को अलग कर देती हैं। चलो भाई तो कोई बात नहीं, माँ को भी अलग कर देती हैं। अरे उस माँ को जो चलना सिखाती है, जो बोलना सिखाती है, उन औरतों की क्या माँ नहीं होती जो मर्दों की माँओं को अलग कर देते हैं। तू सच कहता है, बहुत याद आती है मेरे भाई की उम्र, पता नहीं अब वो मुझे याद करता होगा कि नहीं करता होगा। फोन के रिश्ते भुलाए नहीं जाते नजर, यकीनन तुम्हें याद करता होगा, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। तो तुम्हारा भाई और तुमने मेरा नाम अरशद से चापू रख दिया। सब लोग मुझे चापू कह के छेड़ा करते थे, और अब तो तुम्हारी भाई मुझे कभी कभी मजाक में चापू कहती है। मजाक में नहीं कहती, जब तू नहीं देता होता तब कहती होगी चल बे चापू। अच्छा बात सुन, वो तुम्हारा भाई है ना उमेर, उसका बेटा जवान हो गया माशाल्लाह से, माशाल्लाह एमए कर रहा है, अल्लाह। और हमारी गुड़िया रानी भी अब शादी के काबिल हो गई होगी मेरा ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा नहीं पीनी चाय भाई, बाबा बड़ी मेहनत से बनाई है, सेठ को पिलाया चाय, नहीं पीनी चाय भाई। अरे 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 पी लो ना जापो भाई, मैं जो प्यार से लाया है मेरा बच्चा चाय। नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, वो खुद भी लेना। और बात सुन, इसको चेंज कर। अरे 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 तूने इसको क्यों नाराज कर दिया? अरे जाओ चेंज कर। अरे हम कोई मोबाइल फोन है जो चेंज करे? मैं क्या उसको क्यों छेड़ दिया था? ओह मुझे याद आया, मैं तो भूल ही गया, मुझे मीटिंग में जाना है। और मैं तूने देखा कि फोन क्या था, गया था। इधर से कहां से आए थे? तो बाहर गए थे। बाहर गया था ना मैं, ऑफिस गए थे। हां ऑफिस गया था, रास्ते में वापस आ गया। असल में पेट्रोल पंप पे गया था, इतना रश था कि जेब में पैसे नहीं थे, फिर वापस आ गया। 250 रुपए हो गए मेरे पास, कुछ पैसे पड़े हैं 15-20 रुपए दूं? बैठे बैठे 15-20 रुपए में तो एक बूंद भी नहीं आएगी। तो साईं तुम तो तनख्वाह ही नहीं दे रहे, तो क्या करें, हमारे पास किधर से आएंगे? साईं फोन आ गया। उठा फोन। साईं आप क्यों? मैं उठाऊं? साईं मैं उठाऊं? हां। अच्छा क्या बोलूं साईं फिर मैं? इसको बोलो कि मैं नहीं हूं, मैं सच बोल दे मैं नहीं हूं। सच बोला मना? हां मना है। हेलो। हां अरे बात सुनो, अरे तुम्हारे को किसने इधर छोड़ा है? हाँ अरे बात सुनो। हाँ पता चल गया, अरे वफा का पता चल गया हमारे को। हाँ बाबा हमने ढूंढ ली तेरे लिए वफा। हाँ तुम आओ आओ, तुम्हारे को वफा से मिलवाता है। एड्रेस बताए भाई, एड्रेस समझो। हाँ वो डी चौक पे तुम आएगा, डी चौक पे जो है नथु पान वाला है, नथु पान वाले के बराबर के अंदर गुज्जर दूध वाला है, गुज्जर दूध के बराबर में है आई फोन, वो एक फोन लेते हुए आना। क्यों नहीं लेकर आएगा? अरे फिर हम वफा से क्यों मिलवाए तुम्हारे को? हाँ ऐसे बोलो, तुम्हारी चीख निकल गई है। हाँ आईफोन नहीं लाए तो नई फोन ले आओ। नहीं लाएगा? अच्छा तुम अच्छा आदमी है, हम मिलवाता है तुम्हारे को, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस कल आओ 11 बजे आओ, ठीक है? हम बैठा है तुम्हारा इंतजार करता है। फोन नहीं करना, डायरेक्ट पता बताया तुम्हारे को, डायरेक्ट आना, ठीक है? ज़्यादा अरे दिमाग खराब नहीं करो, उधर से आवाज़ भी आ रही है। चलो अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे। मुझे बचा। क्या हुआ साईं? इधर क्या है, अभी तुम जो है गया है फोन में आ गया है, तुम ऑफिस क्यों नहीं गया है? अरे ऑफिस ही तो जाना था। हाँ। मुझे बचा, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। हाँ मैं बताता हूँ साईं। अच्छा बता। आओ आओ साहब को मालूम सही। तूने सारी बातें सुन ली हैं? इतनी देर के बाद तुम आई, ये सारी बातें सुन के चोरी चोरी बातें नहीं सुनते? क्यों? गुनाह होता है। मैंने सुन लिया कि तू किसी से आईफोन मंगवा रहा है, तुझे फोन चलाना आता है? बाबा मेरे को तो फोन नहीं आता है, तेरे लिए मंगवाया है। तो मुझे कौन सा चलाना आता है फोन? तेरे को नहीं आता? नहीं ना। कोई बात नहीं, बाद में हमारे बच्चे चलाएंगे। नहीं मैंने ऐसी भी सारी बोला है, कभी ना कभी तो होंगे ना बच्चे तुम्हारे। जुगर तू सच कह रहा है, मेरे लिए फोन मंगवा रहा है? तेरे लिए फोन है। और बाल के बात सुनो,
वफा के बारे में मैंने एक गाना भी बनाया है बाबा। कौन सा? बहुत पुराना है लेकिन हम आज सुनाएगा। मैं भी खरीदार हूँ, मैं भी खरीदूंगा, प्यार कहाँ मिलता है जरा बता दो, प्यार कहाँ मिलता है पता बता। जुगन तू तो इतना अच्छा गाता है, इधर क्या कर रहा है? कहीं जाके गाना वाना गा। रानी में एक दफा गया था, फिर वो मसूद आलम नहीं है हमारा दोस्त। हाँ? उसको हमने बड़ी मिन्नते किया, बाबा चलो हमारे को किसी फंक्शन में लेके जाओ। वो बेचारा एक दफा ले गया। फिर क्या हुआ? हम जब गया है ऊपर स्टेज पे, हाँ? हमने माइक पे गाना शुरू किया है तो दुल्हन और दूल्हे की लड़ाई हो गई है। वो क्यों? दूल्हे ने बोला हमारे टाइम पे तुम इतना खराब वो लेकर आ गए हो सिंगर। एक आदमी मेरे पास आया, तुम्हारे को कौन लाया है? हमने बोला हमको पता ही नहीं कौन लाया है, वहां से भागा है, फिर उसके बाद हम कभी नहीं गया है। अच्छा, हमने बोला छोड़ो गाना माना क्या है, कोई और सुना दे अच्छा सा गाना। अच्छा चलो बोलती है तो तुम सुना देता हूँ, गाने तो मेरे पास बहुत है। तूने आंखों से मुझको राम किया, और आंख वालों ने खूब नाम किया, अपने साचद की लूट कर खुशियां, गैर को तूने शाद काम किया। आवे माही ते कुला घिन आवे, ए दुखिया पुखिया दर्द सोना हुसन कमाल दिखावे। बस इससे ज्यादा नहीं आता बाबा। वाह जुगन वाह, मैं तो भूल ही गई थी जुगन। मैं तो तुमसे एक बात करने आई थी। अरे कसम खुदा की हम तो तरस गए हूं, जल्दी बताओ बाबा, आज तक तुमने कभी बात ही नहीं की है, आज करो 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 जल्दी। अरे जुगन मुझे पता है मेरे घर वालों ने ना मेरा रिश्ता कहीं तय कर दिया है। अरे तुम सच बताओ, हमारे साथ मजाक कर रही हो ना? अरे जुगन नहीं, मेरे घर वालों ने वाकई में मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अरे तुम सही बोलना था, बिल्कुल सही बोलना था। हाँ तुमने बोला ना रानी के बाद से शादी नहीं करेगी, हम मजाक समझता था, आज हमारे को यकीन हो गया है। अरे जुग जाओ यार जिन जाओ। अरे भाई और इधर बहुत सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं, उधर चला जा यार, जा जा परवेज सदी के पास चला जा यार, बहुत अच्छा आदमी है। क्यों नहीं जाएगा? क्या करता है वो, पेट में कुतकुलिया करता है? अरे भाई जाकिर मस्तानी के पास चला जा, बहुत अच्छा आदमी है। क्या वो तो खुद घराटे मारता है, जनरेटर से ज्यादा बात है। अरे यार जा यार जा, खुदा को मान जा यार इधर से यार, जा हम बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी बात भी सच हो गई है। अरे जुगन तू किससे बातें कर रहा है? बस किससे बातें करेगा, अकेला आदमी किससे बातें करेगा, जिन के साथ बातें कर रहा हूँ। जो आप जो ख्वाब में आता है मेरे, हमेशा एक ही बात बोलता है, तेरी शादी में रानी से नहीं होने दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई तो नहीं होने। अरे तू इतना उदास क्यों होता है जुगन? यार खुदा की कसम तुम लोगों ने इतना तंग किया ना सबने, ड्रामे को इधर से एंड कर दूं। अरे जुगन इतना उदास क्यों हो रहा है, अपना मूड ठीक कर, अगर तू कहता है तो मैं अपने घर वालों को मना कर दूं। जब भी बोलता हूँ इतने ड्रामे नहीं ले, जाओ खत्म हो गए इंट्री, जाओ जाओ, बहुत सारे एक्टर देखे तुम्हारे जैसे। आ यार सेठ साहब। अरे बाबा किधर है? हेलो सेठ साहब, बाबा किधर है? ऑफिस में है नहीं है? आ जाओ बाबा हम बड़ा उदास है, आओ बाबा आओ। रानी, मैं रानी जुगन, मैं रानी को ढूंढ रही हूँ, रानी कहाँ है? बाबा रानी जो है किचन में गई है खाना पकाने। अच्छा मैं देखती हूँ। रानी अभी आ जाएगा? जी जी अभी आने वाला है। हुज़ैफ़ा
मैडम साहबा, उजैफा साहब आए तो भेज दूं? उजैफा आया है, भेज दो जल्दी करो। जी मैडम। कैसे हैं आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महविश आपने मुझे बुलाया था? जी उजैफा, मामा को आपसे मिलना था। हाँ उजैफा, मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हारे वालदैन राजी हो जाएंगे महविश से तुम्हारी शादी करने पर? आंटी मेरे मॉम डैड मेरी बात को कभी नहीं टालते और मेरी पसंद को पसंद करते हैं। आंटी मैं अपने माँ बाप का एक लौता हूँ। आंटी आप टेंशन ना लें, मैं बहुत जल्द अपने मॉम डैड को लेके आपसे मिलवाने आऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। और आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। और तुम कैसे हो ज़ैफा? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों के लिए जुगन कहाँ है? जुगन दूध लेने गया था। अरे सही, आप आज आ गया? बाबा चाय पीने के बगैर नहीं जाएगा। चाय मैं चाय नहीं पीऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरे को लगता है सही तुम उस दिन की बात पे नाराज है अभी तक। मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने आपका नाम पूछा है। बाबा ठंडा पियो, गर्म पियो, बाबा आइसक्रीम खाओ। भाई मुझे कुछ नहीं खाना, नाम बता दो अपना। अरे जुगन, हुज़ैफा इसका नाम जुगन है, ये हमारे घर का नौकर है, लेकिन हम इसे नौकर नहीं इस घर का फर्ज समझते हैं। ओके, नाइस नेम जुगन। यार तुम मुझे बड़े फनी आदमी लगे। बस सही कभी अपने ऊपर गौर नहीं किया। अच्छा जुगन, मैं तुम्हारी चाय जरूर पीता लेकिन मुझे जाना है, और आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। आंटी इजाजत दें मुझे। ठीक है बेटा। मैं भी अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज। ये क्या बोल के गया है? आना जाना लगा रहेगा, तुम जल्द समझ जाओगे। ठीक है, हम तुम्हें जल्द बता देंगे। नहीं समझ नहीं आ रहा है इस घर में क्या चल रहा है बाबा। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, दो दफा भाग के आया, तूने दोनों दफा भाग दिया। मेरे को बचा, गजब हो गया। सही गजब तो उसी दिन हुआ था जिस दिन तुम दुनिया में आया था। अरे मेरी मदद कर, मैंने पता क्या गाड़ी से गरीब को मार दिया। साईं गरीब तो बेचारा रोज मरता है, हर रोज मरता है गरीब। अरे खुदा के वास्ते मेरी मदद कर। साईं मैं मदद करूं तुम्हारी? मैं कोई यहीं महफूज हूं तुम्हारी मदद करूं? नहीं यार, आई एम एफ नहीं है। तू मुझे बचा, मेरे लिए मदद कर। तू एक काम, तेरा मतलब है कि मैं जेल चला जाऊं? हां हां, तो दो तीन दिन ना। नहीं बाप, साईं मैं जेल जाऊंगा बाबा, आपको जेल नहीं जाने दूंगा। पुलिस पीछे पड़ी हुई है, कुछ कर मेरे लिए, कुछ सोच। आप नौकर है? मैं सेठ हूँ बाबा। मैं नौकर? तू सेठ? यार परवाह मत देना भाई। साईं सिर्फ दो मिनट दो। दो मिनट चाहे तेरी। तू मैं नौकर? हाँ। तो तू मुझे सफाई भी करवाएगा? हाँ सही। अच्छा ये रुमाल जो है सही, हाँ, ये रखो। हाँ। बुरा तो नहीं लगा? बुरा नहीं लगा, लेकिन खुशी हुई कि गरीब सारी साल रुमाल रखता है फिर भी हम उसकी इज्जत नहीं करते। मैंने दो मिनट किया तो कह रहा है कि बुरा तो नहीं लगा, ये होती है प्यार। जा जा मेरे बच्चे, जा। मैं सेठ हूँ? हाँ तू सेठ है, मैं नौकर हूँ। ले मैं कोटी भी उतार देता हूँ, बस बेटा ये बोतल भी ले जा। बस मैं सफाई कर रहा हूँ, जा। बस पुलिस आए तो मेरी मदद कर रहा, देख दो मिनट ख्याल रखना। दो मिनट सही जाना, ये पुलिस मुझे इतनी छित्तर मारेगी कि मेरी हालत खराब हो जाएगी। ओए ये बताओ वो है किधर? कौन? वो जिसकी गाड़ी से बंदा मर गया है।
अरे वो मेरा सेठ है। ओ मेरी बात सुनो, ओ गाड़ी के टायर को खून, उसके बोनट को खून, उसकी डिक्की को खून। अरे अरे अरे, बोनट को खून, डिक्की को खून, टायर को खून। मेरे सेठ को कलर करने का बहुत शौक है, शायद उसने टायर पे कलर कर दिया होगा। ओए ओए, तू मुझे समझा रहा है? ओ पाकिस्तानी पुलिस को समझा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है? ओ मेरी बात सुनो, ओए अगर हमें ना, हमें ये इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई हाथी दे दे ना, हाथी, हम तो उसको पूरे 10 मिनट के बाद जब उसके इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो हाथी भी जो है ना हाथ जोड़ के कह रहा होता है, ओ भाईजान माफ करना, मैं खरगोश हूँ। इतनी सख्त पुलिस होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, वो जो गाड़ी का नंबर है वो रजिस्ट्रेशन किसके नाम है? वो 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 वो, वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हमारे सेठ के नाम है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अरसे से सोच रहा था कि कोई ऐसा दोस्त पुलिस वाला मिल जाए कि मैं उसे पूछूं कि तुम्हारा पेट क्यों निकला हुआ है। ओ मेरी बात सुन, पेट क्यों नहीं निकलेगा? ओ खाते पीते लोग हैं। हाँ पराया माल खाते पीते लोग हैं। अरे ऐसी बात नहीं, अपना खा के भी पेट निकलता है। और मुझे ये बताओ वो बंदा है किधर? वो सेठ मैं मेरे ख्याल से अंदर है, आप बेफिक्र रहे। सर मेरा सेठ आएगा, आपसे बात करेगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मेरे सेठ ने मारा नहीं है। आपको भूल हो रही है, सेठ बहुत अच्छा आदमी है। नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता इंस्पेक्टर शेरदिल। देख इंस्पेक्टर शेरदिल की आंख कभी धोखा नहीं खाती। नहीं बस मैंने देख लिया है कि उसी की गाड़ी से बंदा मरा। एक बात बताओ, बहुत अरसे से मैं सोच रहा हूँ, आप थाने में दादागिरी करते हो, बाहर करते हो, मारते हो, घर पे तुम्हारी क्या पोजीशन होती है? बड़ा सवाल क्या है, फंस गया। ओ उस बात पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने एक बंदा पकड़ा, बल्कि एक नहीं तीन बंदे थे, तीन बंदे हमने पकड़े। हर बंदे ने, बंदे से हमने पूछा, हाँ भाई बता तेरा पीर भाई कौन है? तो एक ने कहा जी मेरा पीर भाई है बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी, ठीक है। और दूसरे ने कहा कि दाता दरबार। तीसरा जो था वो कहने लगा जी मैं अपने पीर भाई का नाम ऐसे नहीं लेता, पहले वजू कराओ फिर मैं बताऊंगा मैं किसका मरीद हूँ। उसको वजू कराया ठीक ठाक, फिर वो पता है क्या कहने लगा? कहने लगा भाजी मैं रन मरीद हूँ। तो मैंने उसको कहा फिक्र ना करो, इसको बिठा के चाय पिलाओ, क्योंकि यही अपना पेटी भाई है। अच्छा बात तो मैं देखता हूँ, शायद सेठ साहब सो रहे हो। जल्दी बुलाओ, बुरा बुरा जल्दी बुलाओ, इतना टाइम नहीं है, बाद में बोलेंगे कि सो रहा है, टाइम से आ करती है, शायद सो ना रहा हो। अच्छा मेरी बात सुनो, आज के बाद एक बात कहूँ, नाराज नहीं होगे, बेशक तुम पुलिस वाले हो लेकिन दीन को इस्तेमाल ना किया करो, ये पीरी मुरीदी की बातें ना किया करो, ये बहुत बड़ी हस्तियां होती हैं, यहाँ बैठ के मांगते हैं, अल्लाह हमारी सुनता है, ना किया करो ये, दीन की मजाक ना किया करो। मेरी बात सुने लोग, अरे मेरी बात सुन, पुलिस वाला है तो अपनी जगह है, लेकिन दीन के मामले में हम लोग जोश में आ जाते हैं। तेरे को पता है एक ने तौबा नऊज़ु बिल्ला, तौबा नऊज़ु बिल्ला हिंदुस्तान में गुस्ताखी की थी, आज वो छुपता फिर रहा है। हम मुसलमान इकट्ठे हो गए, तुम कभी भी इंशाल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कोई गुस्ताखी नहीं करोगे। कहो, तालियां बजा के कहो कि नहीं करेंगे हम। अब बोल, अब बोल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ और मेरी बात सुने, ये पुलिस ही होती है, चलती है। साहब ऐसे क्या देख रहे हो, हम क्या नए मॉडल की गाड़ी है? मैं ये देख रहा हूँ, पहला बंदा देखा है जो बंदा मार के इतना मुतमईन है। बंदा मार के? अरे हमने तो आज तक बिल्ली का बच्चा नहीं मारा भाई, क्यों सेठ साहब? बिल्कुल सही है, मच्छर के बच्चे आते हैं हम उड़ा देते, मारते नहीं है। सेठ साहब वो ये बता, सेठ वो है या तू है? सेठ तो मैं हूँ, पर
हमने कभी अपने नौकर को नौकर नहीं समझा, हमने हमेशा उसको सेठ करके बुलाया। वो क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अगर आप कहते हैं तो समझा देते हैं भाई। नौकर को सेठ कहने के बहुत फायदे हैं। नंबर वन, नौकर को सेठ करके बुलाओ तो वो बेचारा बीमार होता है तो दवाई के पैसे नहीं मांगता। और दूसरा फायदा कि अगर उसको छुट्टी चाहिए हो तो छुट्टी नहीं मांगता, जब भी आता हम कहते हैं भाई सेठ भी कोई छुट्टी लेता है, छुट्टी नहीं मांगता। तीसरा फायदा कि अगर वो तनख्वाह मांगने आए तो हम कहते हैं भाई सेठ है तू, सेठ कोई तनख्वाह थोड़ी मांगता भाई, सेठ साहब सही कह रहा है। बिल्कुल सही है, 8 महीने से मैंने तो तनख्वाह का मुंह भी नहीं देखा है। मेरी बात सुनो, ये तुम मुझे किन बातों में लगा रहे हो, ये बताओ सेठ वो है या ये है? मैं नौकर हूँ, आप यकीन करें 1 साल हो गया हमने शिकार को आज तक माचिस नहीं दिखाई, पन्नी भी नहीं उतारी है। तुम लोगों की बातें सुन के तो मुझे समझ नहीं आती मैं SHO हूं या छोलियां की रेडी लगाने वाला हूं। हम तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम भाई एक काम करते हैं, बैठ के डील बनाते हैं। डील? हाँ, मेरा मतलब है बैठ के बात करते हैं, बातचीत। नहीं भाई नहीं, जो बात होगी खड़े खड़े होगी, खड़े खड़े होगी और यही होगी। और मेरी बात सुन, डील का मतलब कहीं मुझे रिश्वत तो नहीं पेश कर रहा? ना ना ना, तोबा तोबा तोबा, हम लोगों में तो ये चलता ही नहीं है रिश्वत। अच्छा बात सुने, अपना ठंडा पियेंगे गरम? चले चले, छोड़े छोड़े सर, ये दोनों मिक्स हो जाएगा, आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। ऐसा करते अपन खाना खाते हैं। खाना? हाँ ये भी ठीक है, मंगा लो, लेकिन खाने में लगेगा टाइम क्योंकि खाना घर पे तैयार नहीं है, खाना बाहर से आएगा। हम ऐसा करते हैं जब तक बातचीत कर लेते हैं, मुख मुकाई, जान छोड़ने के कितने लेंगे। अच्छा, पहले डील फिर मुकमका, यानी के डायरेक्ट रिश्वत। ओ मेरी बात सुनो, मैं डायरेक्ट रिश्वत बिल्कुल नहीं लेता। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेते? ना ना। अच्छा, फिर उधार किस्त कर लेते हैं उसकी। ओए मेरी बात सुनो, अपनी जान छुड़ाने वाली बात करो। नहीं मैं यही बोल रहा हूँ बाबा, सर मैं यही बोल रहा हूँ कि जान छोड़ने के भाई कितने पैसे लोगे। ये हुई ना बात, भाई मेरी बात सुनो, मैं लूंगा पूरे 10 लाख। कितने? 10 लाख। ओ बंदा मारा है, कोई मखौल थोड़ी है। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख तो सेठ साहब कभी देखे भी नहीं है। अपने तो यकीन करो गिने भी नहीं है 10 लाख होते कैसे। ओए 10 लाख नहीं देखे? सेठ वो है या तू है? सेठ तो मैं हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं नौकर हूँ, सेठ ये है। सेठ ये है। ओ मेरी बात सुनो भाई, मैं लूंगा पूरे 10 लाख और डायरेक्ट कैश, ना ATM, ना ट्रांसफर, ना चेक, कैश चाहिए 10 लाख। भाई हमसे कसम उठवा लो कि अगर ये तीनों चीजें हमने देखी हूँ आज तक, ना चेक, ना ATM, ना कुछ और। भाई सेठ साहब सही बात है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मेरे सेठ सही कह रहे हैं, हमने तो ATM ही नहीं देखा कैसा होता है। ये बताओ सेठ वो है या तू है? सेठ तो मैं ही हूँ, सेठ तो मैं ही हूँ। मुझे किस कंफ्यूजन में लगा दिया तुम लोगों ने। अच्छा अभी पता चलता है तुम दोनों में से सेठ है कौन। ओ बात सुनो, ओए नौकर चल मुझे पानी पिला। ओए जाओ पानी लेकर आओ। पा 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 पा, पानी ला रहा हूं मैं, पानी ला रहा हूं। मेरे सेठ ने मुझे कहा है मैं पानी ला रहा हूं, मैं पानी ला रहा हूं। अभी आपके लिए ठंडा पानी आएगा। और बात सुने, वैसे एक बात बताएं, आप ड्यूटी अफसर हैं बड़े अच्छे भाई, जिधर जाते हैं उधर कोई ना कोई बंदा ढूंढ लेते हैं आप, ये आपका कमाल है सही। हमारा काम ही बंदे ढूंढना है सही। कानून बड़ा पक्का है, कानून का बड़ा पक्का है। अपना सेठ साहब, अपना ये, अरे बाबा वो अपना जी, किसी का फोन आया, पुलिस को देख के दो छक्के छूट जाते। अरे अरे अरे, हेलो सलाम अलैकुम। अरे SP साहब कैसे हैं आप? अरे मुबारक हो आपको। नहीं नहीं हमने कोई एहसान नहीं किया, हम तो अपने दोस्तों को हमेशा नवाजते हैं और दोस्तों का बड़ा ख्याल रखा है। आप SSP हो गए? अरे कोई कोई काम नहीं है, हाँ एक छोटा सा काम है, अगर किसी की वर्दी उतरवानी हो क्या जेल भी पहुँचवा देंगे? हाँ तो ठीक है, बस मैं आपको अभी बताता हूँ। क्या आप आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आए सर, आप मिठाई, हाँ देसी की ले आए बस। ठीक है आ जाए, आ जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि एक बंदा मुझे बहुत तंग कर रहा है। जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जनाब पानी पिलाए साहब को पानी पिलाए। ओ छोड़े छोड़े पानी छोड़े जी। ओ जनाब माफ करना मुझे, पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई है। आपके तो बड़े ऊपर तक ताल्लुकात हैं। ओ कोई बात नहीं, अब आपके खिलाफ ना कोई FIR ना कुछ होगा, समझो केस खत्म। भाई हम पुलिस हैं किस लिए? जब आप जैसे सेठों से गलती होती है तो फिर गरीब आवाम पे मुकदमा पड़ता है ना, किसी पे भी डाल देंगे। ठीक है अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, कानून आया हमारे घर पर, भाई बगैर कुछ खिलाए पिलाए हम आपको जाने नहीं देंगे। और नहीं जनाब आपसे थोड़ी खाना है, आप मुझे हुक्म करें मैं आपको खाना मंगा के देता हूँ। अपना राजो। अरे वो बात देखें, SSP साहब बाहर आ गए होंगे, वो जैसे ही आ जाए तो बुला लेंगे। ठहरो इधर, SSP साहब की क्या जरूरत है बुलाने की, आप खाने की बात करें मैं खाना भिजवा देता हूँ। अच्छा ये आपने वैसे बात सही की है, आप एक काम करें 2 किलो देसी मिठाई और 2 किलो बाड़े का दूध और हाँ 2 किलो मटन फ्रेश वो आप ले आए, बल्कि एक काम करें राजू को ले जाए साथ और इसके साथ भिजवा दें। ओ मेरी बात सुनो, ये सारी चीजें तो हम दूसरों से मंगाते हैं, तुम हमसे मंगा रहे हो, कमाल बात है। ओ मेरी बात सुन भाई, इतनी महंगी चीजें हम नहीं लाके दे सकते। कोई बात नहीं है, अपना मिठाई चाय नहीं आएगी। राजो देखो बाहर आ गए साहब, आए इनको लेके आओ जल्दी से बराबर। ओ ठहरे, एक तो तेरे राजू को बड़ी जल्दी है, मेरी बात सुनो। बस मैं आज तो दिला देता हूँ, दोबारा नहीं कहना। बात सुनो अपना डिप्टी साहब, आपने हमेशा हर हफ्ते जब तक आप मेरे इलाके में हैं आप हर हफ्ते ये सामान पहुंचाएंगे। बिल्कुल नौकर नौकर यानी हर हफ्ते। हर हफ्ते तुम्हारे लिए मिठाई गोश्त। अच्छा बहुत अच्छे, एक फोन तुमने किया है एक फोन अब मैं करूंगा। हेलो अस्सलामुअलैकुम। ओ DSP साहब, ओ बस शेर दिल समझो आज के बाद गिदड़ हो गया, कोई जरूरत ना। ना सर मैं इलाका छोड़ रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा आप ट्रांसफर नहीं करेंगे इमीडिएटली तो समझ लें कि मैं इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। ओ कोई अच्छा अफसर नहीं हूँ मैं, बस मुझे फौरी तौर पे बस ट्रांसफर लेटर चाहिए। राजू मेरी बात सुने, आपका सामान आप तक पहुंच जाएगा। और सुनो पीछे मेरे पीछे आ। आज तेरी 2 मिनट काम आ गई, तूने तो वो काम दिखाया। चल मैं तुझे अपने हाथ चटनी बना के खिला रहा हूँ। शुक्र है खुदाया कि आज तुमने खाने की बात की है, रोटी नहीं बनाई हमारी। चलो बाबा वैसे एक बात है, मेरा शहजादा इसमें बहुत अच्छा लगता है, जब तेरी शादी होगी तो मैं ये तुझे दे दूंगा। बात कौन है? सही बात सुनो, तुम हमेशा कोई पुरानी चीज ही हमारे को देना बाबा, ये तो नहीं। बाबा बात सुनो, एक बात तुम्हारे को बताए जी, मेरी जान कान में बताऊंगा। कान में बता। रानी चल मैं तेरे को डिनर कराता हूं। चल हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महवेश, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक उज़ैफा, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। महवेश मैं आज तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा जिसको तुम सुन के बहुत खुश हो जाओगी यार। तो फिर जल्दी से सुनाओ ना उज़ैफा। यार महवेश लेकिन मैं ये खुशखबरी घर पे आके सुनाऊंगा। तो फिर इंतजार किस बात का है, जल्दी से घर आ जाओ, फोन बंद करो, अल्लाह हाफिज। हुकुम करें बहन जी। जुगन
सकते हो। मैं बातें अच्छी बना सकता हूँ, वो तो मुझे लग ही रहा है। गाना भी अच्छा सुना सकता हूँ। और ये तुम वहाँ खड़े हुए मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? वो आपके बाबा, आप मेरी बहन हो ना बाबा, आपके ऊपर बाबा मेरा, मैं बड़ा भाई हूँ, आपके ऊपर हक है मेरा, इसलिए मैं सुनता हूँ। नहीं, तुम्हें बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी हर बात सुनो, और मेरा बाप क्यों बनते हो तुम हर बात में? हर बात में मेरे बाप बनने की कोशिश करते हो तुम। मैं कितनी देर से देख रही थी, तुम वहाँ खड़े हुए सुन रहे थे, इसलिए फिर मैंने तुम्हें आवाज दी। नौकर हो, नौकर बन के रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, चलो अंदर। कैसी हो महवेश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैफ़ा, जल्दी से खुशखबरी सुनाओ ना यार। तो फिर सुनो महवेश, मेरे मॉम डैड ने मेरे ताया की बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है महवेश। ये तुम क्या कह रहे हो ज़ैफ़ा? मैं सच कह रहा हूँ महवेश, लेकिन महवेश तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे बिना नहीं रह सकती महवेश। हाँ ज़ैफ़ा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ यार। महवेश मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ज़ैफ़ा अब हम क्या करेंगे? महवेश मेरी एक बात गौर से सुनो। बोलो। मैं सुबह 11 बजे तुम्हें कॉल करूंगा, तुम अपने घर से बाहर आ जाना और हम लाहौर चल के निकाह करेंगे, क्या तुम राजी हो? ज़ैफ़ा कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कैसी गड़बड़ महवेश, बुआ ने भी तो लाहौर जाके निकाह किया, आज उसको सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, और हम भी लाहौर जाकर शादी कर लेंगे और वहाँ जाकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर चलो। रुक जाए यहाँ पर। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारा ये एक्ट, आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आपने ये मैसेज देखा, हमारे बच्चे किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं? क्या सारी गलतियां हमारे बच्चों की हैं? जी नहीं, ये गलतियां उन माँ बाप की हैं जो अपने बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल देकर देते हैं, पर इन बच्चों पर नजर नहीं रखते हैं कि वो इन चीजों का इस्तेमाल सही कर रहे हैं या गलत। जैसे कि आजकल बहुत आसान हो गया है पैकेज करवाना, रात भर लड़का और लड़की फोन पर बातें करते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने लग जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत से पाल पोस कर उनको जवान किया, खुद गीले में सोए और उनको सूखे में सुलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। क्या हम इन बच्चों से ये पूछते हैं, आया स्कूल से कॉलेज, इस्लाम से इस्लामिया तक पढ़ने का सफर जारी है और हमारा दीन और हमारा मुआशरा, हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि लड़का और लड़की भागकर शादी करें। जो बच्चे अपने माँ बाप की रजामंदी से शादी करते हैं वो दर हकीकत इस्लाम की तर्जुमानी करते हैं, और हम माँ बाप को इस ड्रामे के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज आप अपने बच्चों को लैपटॉप मोबाइल और बाइक जरूर लेकर दें, मगर अपने बच्चों पर प्लीज नजर रखें और वो इन चीजों का इस्तेमाल सही कर रहे हैं या गलत। आइए नाज़रीन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, अभी हमने आपको दिखाया नेगेटिव पॉइंट्स और अब हम आपको दूसरे सीन में दिखाएंगे पॉजिटिव पॉइंट्स। आइए सर, फैसला आपके हाथ में, आप इसको सही समझेंगे या गलत। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू। आता हूँ, मुझे बैठ से नहीं बोलूंगी। ओह सॉरी, बैठो ये और लेके
तो फिर सुनो महवेश, मेरे मॉम डैड ने मेरे ताया की बेटी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है महवेश। ये तो मैं सच कह रहा हूँ महवेश। हाँ महवेश, तुम ठीक कहती हो। मैंने तुमसे प्यार, इश्क और मोहब्बत के वादे किए थे, पर महवेश मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो, मुझे लगता है मैंने तुमसे प्यार करके गलती कर दी। मेरे माँ बाप मुझे समझाते रहे कि लव मैरिज मत करो, मैंने उनकी एक भी ना सुनी, उनके खिलाफ चली गई और तुमसे प्यार कर बैठी यार, और अब तुम कहते हो मुझे छोड़ दोगे। नहीं महवेश, ये तुम गलत कह रही हो। क्या हमारे माँ बाप का हम पर कोई हक नहीं? पढ़ा लिखा कर जवान कर दिया, क्या मैं अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं महवेश, नहीं। मैं उन लड़कों में से नहीं जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और एक बात और महवेश, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता महवेश। मेरे बेटे, मुझसे कह रहे हो कि वॉशरूम जा रहा हूं, वो जो तुम हमेशा कहते थे, आज मुझे बताओ वो क्या कहते थे? क्या है कि साईं, वो सच बोलना मना है साईं। सुन, कह रहा है मेरा बच्चा कि सच बोलना मना है, क्या है मसला? तुम इसे गलत समझ रहे थे, आज देखो मेरा बेटा क्या कह रहा है, सच बोलना मना है। नहीं बेटा, सच बोला कर। बेटा तुमने वो काम किया है जो आदमी सोच भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो होता है। मैं पहले कहता था ना कि घर सही कह रहा जुगन, सच बोलना मना है। हाँ। लेकिन आज सारी बातें सच्ची होंगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा चापू। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं। मैं आज दोस्ती का हक अदा करने आया हूँ।
फयाज दाने वाले के दो बेटे हुआ करते थे, उमेर और नजर दाने। बिल्कुल दोनों अलग अलग हो गए, उनकी मिसालें लोग दिया करते थे। बिल्कुल, मेरा भाई उमेर मुझसे अलग हो गया, आज उसको 16 साल हो गए, पता नहीं वो मुझे याद करता होगा कि नहीं, मुझे पहचानता होगा कि नहीं। अगर उमेर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या उसे गले लगा लोगे? उमेर मेरे सामने आ जाए, नामुमकिन है, नामुमकिन है कि उमेर मेरे सामने आ जाए। ऐसा मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है, वो मेरे साथ ही आए। क्या क्या उमेर साथ आए हैं? जी उमेर, मैं कहता हूँ आता कि उमेर साथ। मेरा भाई, भाई जान मुझे माफ कर दो भाई, मेरा भाई है। वाह, 16 साल के बाद दो भाई आपस में मिले, आप यकीन करें 16 साल के बाद जब दो भाई आपस में मिलते तो अर्श से भी आवाज आती है कि या अल्लाह इन दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रखना। मेरा भाई, आज मुझे बेतहा खुशी हो रही है नजर कि आज हमारा देवर, मेरा देवर इस घर में आया है। भाई रजिया को नहीं लाए साथ? अरे भाभी ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ है वो? कि मैं और रजिया ना आए। अरे भाई रजिया बेगम, भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। भाभी मुझे माफ कर दे, भाभी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, तुम भी मुझे माफ कर दो बहन, बहन रजिया तुम भी मुझे माफ कर दो। अरे अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी गुड़िया बेटी इतनी बड़ी हो गई, इतनी प्यारी, क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? साई क्या है कि वो बाबा इसका मुर्गा चला गया है। अरे छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा एक बेटा भी तो था ना? हाँ हाँ भाभी, बेटा था नहीं, माशाल्लाह बेटा है और माशाल्लाह जवान हो गया है। अरे सुनिए, अपने बेटे को बुलाइए ना। अरे बेटा अंदर आ जाओ। जेफा, अस्सलाम वालेकुम। जेफा तुम्हारा बेटा है। अरे बात सुनो, अरे आज तुम, अरे फिर आ गया तुम इधर को बुलाने के लिए। अरे चापू ये मेरा बेटा है, भाईजान ये मेरा बेटा है, हमारा बेटा उज़ैफ़ा। माशाल्लाह, ये आपको कह रहा था जी, ये मेरा बेटा है। अरे मेरे जुगनू को समझा रहा था, मेरे किसको समझा रहा था तू? जुगन को। मेरे जुगन को समझा रहा था कि ये तेरा बेटा उज़ैफ़ा है। माशाल्लाह भाईजान, भाभी मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा कर रही हूँ। माशाल्लाह उज़ैफ़ा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया कि ये दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका रिश्ता कबूल करें। हमने कबूल किया बहन, तुम हमें शर्मिंदा तो ना करो ना। देखिएगा भाभी, हम अपने बच्चों की शादी कितने धूमधाम से मनाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इतनी धूमधाम से मचाएंगे क्या बनाएंगे? बात सुन, ये बोलिका यार, महवेश मैंने मजाक किया था, मुझे पता था कि तुम मेरे ताया की बेटी हो, और एक बात और पता है ना तुम्हें? क्या? सच बोलना मना है। अब मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाता हूँ, जुगन इधर आ मेरे पास, मैंने तेरी मुर्गी तलाश कर ली है। थैंक यू, आपने तलाश कर ली है, उसको दफा कर। अरे क्या बोल रहा है? चाहिए बाबा, क्या है कि सेठ साहब एक बात हमेशा कहता हूँ ना, सच बोलना मना है।